बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे सब, और सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैं ईद की रेसिपी इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे कोई फंक्शन था, तो मैंने कहा क्यों ना गोश्त वगैरह खा रहे हैं तो वो हज़म होने में थोड़ा मसला करते हैं, तो उसके लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैं इंस्टेंट आम पन्ना लेकर आई हूँ रेसिपी। ये गोश्त वगैरह खाया हो तो फ़ौरन हज़म हो जाता है, मैदे में तजाबियत हो वो भी ठीक हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने दो कच्चे आम लिए हैं और ये एक मैंने पका हुआ आम लिया है, इनको हम पील ऑफ कर लेते हैं कि अच्छे से छिलके रिमूव कर लेंगे। या आपके मैदे में तजाबियत हो, गैस वगैरह का मसला हो, ये उसके लिए भी बेस्ट है गोश्त खाने का। इसके लिए कई लोगों को मसला हो जाता है गोश्त खाने से। अच्छे से हम सारे छिलके रिमूव कर लेंगे इनके। ये वैसे भी खट्टा खट्टा होता है, ये ड्रिंक बहुत मज़े का लगता है और हाजमे के लिए भी तो बहुत ही अच्छा है ये। आपने ट्राई करके मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम अपने मैंगो का भी उतार लेते हैं। छिलके मैंने रिमूव कर लिए, अब इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। कच्चे आम के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये तकरीबन आधा कप हो गए, इतना ही हमें चाहिए। अब हम अपने पके हुए आम के भी इसी तरह पीसेस कर लेंगे। अच्छे से गुठली के साथ से हम रिमूव कर लेंगे इसे। इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। चलें, ये मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, अब हम अगले अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें मैं अपने आम ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। ये मैंने मिंट लिया है पुदीना, ये मैंने थोड़े से पत्ते लिए हैं इसके, ये ऐड कर दूँगी। जीरा लिया मैंने हाफ टी स्पून भुना हुआ, ये मैंने काली मिर्च ली है, ये भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं। वाइट सॉल्ट है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। ये ब्लैक सॉल्ट है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। अब मैंने ये चीनी ली है 3 खाने के चम्मच, ये ऐड कर दूंगी। चलें जी, अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी जो मैंने 3 खाने के चम्मच ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें आइस ऐड कर दूंगी। आइस सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी। अब मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँ, फिर अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। चलें, ये सब चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली हैं। अब मैं इसको अपना अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ क्या करना है। ये हाफ हाफ ग्लास मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें बाकी का मैं इसमें ये ठंडा या पानी ऐड करेंगे हम। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मम्मा जी मैंगो मार्गरिटा लगता है। हमारा इंस्टेंट आम पन्ना बिल्कुल तैयार है। आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है। और घर में गैस एक के दिन गुजरे हैं तो गैस तो लाजमी आते हैं, और गोश्त तो हर घर में अब मौजूद है, तो उसके हज़म करने के लिए या आप ड्रिंक लाजमी तैयार कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।